हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार, आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने बीमाओं के बारे में पढ़ा था, बीमाएं क्या होती हैं और अलग अलग भौतिक राशियां जो होती हैं उनकी बीमाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बीमाओं के बारे में हमने देखा था कि बीमाएँ जो हैं घाते होती हैं, जो मूल राशियाँ जो होती हैं मूल राशियों पर लगाई गई घाते ही क्या होती है बीमा। तो आज अपन जो अलग नेक्स्ट जो अपनी क्वांटिटी हैं उनकी बीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है दाब या प्रतिबल। दाब या प्रतिबल, इसका फॉर्मूला होता है कि जो बल होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। P इजिकल टू, आपको ध्यान रखना है, P इजिकल टू F अपॉन A, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये दाब या प्रतिबल। इनकी दोनों की सेम होती है विमाएं। देखेंगे यहाँ से तो अपन ने निकाला था बल के लिए m1 l1 t minus 2, आपने नेक्स्ट अपना जो वीडियो था अलग इससे पहले वाला उसके अंदर अपन ने निकाला था कि बल जो होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान के लिए m1 और त्वरण के लिए l1 t minus 2 होता है। तो m1 l1 t minus 2, और क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो l स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, देखिए m1 और l ये ऊपर जाएगा तो माइनस के टू हो जाएंगे और प्लस का 1 है ऊपर तो माइनस का 1 बच जाएगा और t माइनस 2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दाब जो है या प्रतिबल उसकी विमाएं क्या होती हैं, m1 l माइनस 1 और t माइनस 2। ओके, तो हमें ये जो आगे की जो अपन ने देखा था कि बल की कैसे निकालते हैं त्वरण की कैसे निकालते हैं वो आप एक बार प्रैक्टिस करिए, उससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे ध्यान रखना है कि m1 l1 t माइनस 2 फॉर्मूला ध्यान रखना है, f इज इक्वल टू m a, तो फॉर्मूला से अपन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से दाब के लिए तो p इज इक्वल टू f अपॉन a। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, तो इसकी जो मात्रक हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, देखिए किलोग्राम किलोग्राम और अपॉन ये मीटर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से दाब का वैसे तो आपको पता ही है पास्कल होता है, पास्कल, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर अपन पूरा तरीके से लिखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, इसके लिए न्यूटन और इसके लिए मीटर स्क्वायर, ठीक है, या तो पास्कल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, या यहाँ से लिख सकते हैं किलोग्राम और ये मीटर और ये सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे देखेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव। तो बल के लिए देखिए क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2 और लंबाई के लिए l1, तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए m1 l0, ये देखिए 1 और 1 कट गया और t माइनस 2। ओके, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ओके। आगे देखेंगे बल नियतांक, तो बल नियतांक के जो होता है बल बटा विस्थापन। तो बल के लिए आप अभी तक जान ही चुके होंगे m1 l1 t माइनस 2 और यहाँ पे नीचे विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, लेंथ है, तो ये l1, तो यहाँ से देखिए l1 l1 कट गया, अपने पास क्या रिमेनिंग रह गया, देखिए m1 l0 और t माइनस 2। अगर किसी राशि ये जो है l लंबाई की इसमें विमा जीरो है कुछ नहीं है तो जीरो लिखना है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर, ओके, बल का न्यूटन और इसका लिए विस्थापन के लिए मीटर, ओके। आगे विकृति, विकृति क्या होती है, कोई भी एक वस्तु होती है उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है और बटा उसकी प्रारंभिक लंबाई, यानी कि लंबाई l अपॉन l, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए l अपॉन l, l जीरो हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं
कि M0, L0 और T0। इसमें देखिए M की विमा कितनी है, 0 है, L की विमा 0 और T की विमा 0। तो ये क्या है, विमाहीन राशि है। क्या है? विमाहीन राशि, विमाहीन और मात्रहीन राशि है। तो ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि विमाहीन और मात्रहीन राशि जो है वो कौन सी है, विकृति। ये स्टार लगा दीजिए, विकृति, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, तो यहाँ से क्या हो गया, L0। नेक्स्ट है अपना प्रत्यास्थता गुणांक। ये जितनी भी जो भौतिक राशियाँ अपन बात कर रहे हैं, विमाहीन निकाल रहे हैं, ये आपके लिए फिलहाल नहीं है, एकदम न्यू है। तो इसे अपन आगे के चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या होता है और ये फॉर्मूला कैसे जो है अपन को याद करना है, वो आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। फिलहाल हम इसकी जो मात्रक हैं, इनके जो विमाएँ हैं, वो अपन निकालना सीखेंगे। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये फार्मूले भी याद हो जाएंगे। अगर फार्मूला याद है तो अपन ये जो है अपना विमा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रतिबल, तो प्रतिबल मैंने आपको बताया था बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए प्रतिबल का क्या निकाला था, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ से देखिए एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू। और विकृति, तो विकृति का क्या है, M0, L0 और T0। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए ये तो पूरा 0 0 है, यही बचेगा, तो M1, L-1 और T-2। ओके, तो ये फाइनली हमने देखा कि प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है उसकी विमा ये होती है, ठीक है। और विकृति के लिए इस तरीके से निकालेंगे, विकृति का ध्यान रखना है कि ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। ओके, नेक्स्ट है कोण। तो कोण यानी एंगल, थीटा बराबर एस अपॉन आर, यानी कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो कुछ कुछ राशियां आपने पढ़ी हुई है और बहुत सी राशियां आपके लिए नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस करना है, उसके फॉर्मूले को याद करना है। एक बार आप फॉर्मूला याद कर चुके हैं तो आपको विमा आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए चाप बटा त्रिज्या, तो देखिए चाप के लिए क्या है, चाप एक प्रकार की लंबाई है तो उसके लिए L, और त्रिज्या, त्रिज्या के लिए भी L। तो यहाँ से क्या हो गया, L0, यानी कि जो कोण है, एंगल, इसके लिए विमा क्या होती है। तो देखिए M का यहाँ पे यूज हुआ है, द्रव्यमान का नहीं हुआ, तो यहाँ पे 0, L0, और समय का यूज नहीं हुआ है, मतलब T0। तो इसकी जो विमा होती है एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो, और मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, ठीक है। अब देखेंगे कोणीय वेग, क्या कोणीय वेग, तो कोणीय वेग जो होता है, नेक्स्ट है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग जो होता है कोण बटा समय अंतराल, कोण बटा समय अंतराल। तो कोण के हम निकाल चुके हैं, क्या होता है एम जीरो, एल जीरो और टी जीरो। अब देखिए समय अंतराल, यानी कि एक प्रकार का टाइम है, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं आपको पता ही है, टी, यानी कि टी वन है अपने पास। तो अब देखिए क्या हो गया, एम जीरो, एल जीरो और टी, यहाँ पे जीरो है, ये ऊपर आ गया तो माइनस वन हो गया, तो अपने पास कितना बचा, माइनस वन। तो इस प्रकार से एम जीरो, एल जीरो, टी माइनस वन, अपने पास किसकी विमा आ गई, कोणीय वेग की, ठीक है। तो देखिए कोणीय वेग की विमा आ गई एम जीरो, एल जीरो, टी माइनस वन, और यहाँ से रेडियन, मात्रक हो गया रेडियन, और समय का सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। अब देखेंगे कोणीय त्वरण, तो त्वरण, कोणीय त्वरण यानी वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण होता है कोणीय वेग बटा समय अंतराल। ये जब दर आता है वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग बटा समय लिखना है। तो कोणीय वेग की बात कर रहे हैं, कोणीय त्वरण, तो कोणीय वेग बटा, कोणीय वेग बटा समय अंतराल। अब देखेंगे कोणीय वेग का अपन निकाल चुके हैं एम जीरो, एल जीरो और टी माइनस वन, यहाँ से समय का क्या हो जाएगा, टी वन। तो अब आपके पास आ चुका है एम जीरो, एल जीरो और टी माइनस टू। अब देखिए ये माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वन और माइनस वन, माइनस के टू हो गए, और इसका मात्रक जो होगा वो रेडियन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, तो संवेग इंटू लंबवत दूरी। तो संवेग, संवेग जो है उसकी बात अपन ने की थी, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यानी कि P इजिकल टू एम वी होता है,
और v की हम निकाल चुके थे lt माइनस वन, वेग जो होता है वो विस्थापन बटा समय होता है यानी l अपॉन t होता है। तो वहां से देखिए इसका अपन निकाल चुके थे m1, इसका m का m1 और इसका v का lt माइनस वन, तो l1 t माइनस वन। तो देखिए संवेग का क्या हो गया m1 l1 और t माइनस वन, और हमारे पास जो लंबवत दूरी है ये क्या है दूरी है, और दूरी के लिए क्या लिखते हैं l, तो ये l1। अब देखिए फाइनली अपन ने क्या गेन किया यहाँ से m1, ये m1 और l कितना हुआ वन और वन टू, और यहाँ से t माइनस वन। ओके तो ये कोणीय संवेग का हो गया। अब देखिए तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ यानी कोई वेव जो तरंग होती है उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई के लिए क्या लिखते हैं l, l1, तो यहाँ से क्या आ गया देखो m0 l1 और t0। ओके तो m0 l1 और t0 ये आ गई तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ की विमा। नेक्स्ट है अपने पास आवेश, तो आपने सबने पढ़ा है कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है आवेश बटा समय, ये जो आवेश है इसको Q से प्रदर्शित करते हैं, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी, और I किसका सिंबल है विद्युत धारा का और T समय का। तो ये देखिए विद्युत धारा इंटू समय, और आप पढ़ चुके हैं SI पद्धति के अंदर कि विद्युत धारा एक प्रकार की क्या है मूल राशि, और मूल राशि का जो विमा के रूप में कैसे लिखेंगे A, जो विद्युत धारा के लिए क्या लिखेंगे A और समय के लिए T। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास A1 T1। तो आवेश की जब विमा पूछे तो विद्युत धारा इंटू समय कर दो, और विद्युत धारा के लिए क्या है विद्युत धारा एक मूल राशि है उसके लिए A और समय के लिए T। नेक्स्ट देखेंगे, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है कूलम्ब, क्या होता है कूलम्ब। ओके या आप कह सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर इंटू समय का सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। वैसे अपन ये जो है आपके ट्वेल्थ क्लास के अंदर यूज होगा इसका, तो विमाएं जो है बहुत सारी दी हुई है, तो यहाँ पे आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसके अंदर सारी अपन डिस्कस करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला याद रखना है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी कि F का मतलब आपको पता है फोर्स यानी बल बटा आवेश, तो एक आवेश जो होता है उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र। ठीक है अब देखिए बल के लिए आप निकाल चुके थे m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, और आवेश के लिए देखो क्या होता है a1 t1। ओके तो फाइनली क्या हुआ बोलिए m1 l1 और t ये ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस के दो और माइनस का एक माइनस का तीन, और ये a जब ऊपर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र है उसका क्या होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो F के लिए m1 l1 t माइनस टू होता है और Q के लिए a1 t1, तो m1 l1 t माइनस थ्री और a माइनस वन। तो विद्युत क्षेत्र का ध्यान रखना है कि न्यूटन बटा कूलम, ये जो बल है बल का मात्रक आप जानते ही हैं न्यूटन होता है, और आवेश ये क्या है आवेश का मात्रक क्या है कूलम्ब, तो ये न्यूटन पर कूलम्ब। तो इस तरीके से हमें ये मात्रक और ये विमा याद रखनी है। फॉर्मूला आप याद करोगे, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारा फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला अगर आपको आता है तो विमा आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है विमाओं के उपयोग यानी यूजेज ऑफ डायमेंशन, अपने जो डायमेंशन निकाले हैं उनके यूजेज क्या है, यूजेज मतलब उनका उपयोग। तो देखेंगे तीन यूजेज अपने लिखे हैं यहाँ पे, भौतिक राशियों के मात्रकों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर बदलना। तो हमारे पास कोई भी एक भौतिक राशि होती है उसका कोई मात्रक दिया हुआ है अपन को, तो अपन को उसके अलग मात्रक पद्धति में बदलना है। जैसे आप जानते हैं CGS MKS या FPS तीन पद्धति हैं,
तो अगर आपको CGS में दिया हुआ है, FPS में बदलना हो या MKS में बदलना हो, तो आप इसका जो है विमाओं के द्वारा अपन बदल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, भौतिक राशियों के सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना। कोई भी भौतिक राशि है उसका समीकरण दिया हुआ है या सूत्र दिया हुआ है, उसके सत्यता की जांच करने के लिए विमाओं के उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है देखिए, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, यानी कि कोई भी जो भौतिक राशि है, कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशियाँ हैं उनकी विमाएँ समान होती हैं, वो उनके मध्य अपन संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन देखेंगे इनको डिटेल्स में कि कैसे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर बदलते हैं, कैसे समीकरण के सत्यता की जांच करते हैं और उनके मध्य संबंध स्थापित कैसे करते हैं। तो पहले अपन एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, जो अपन आगे वाले वीडियो आएंगे उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसे समीकरण या सत्यता की जाँच करने के लिए मान लीजिए अपने पास एक समीकरण है, आपने पढ़ा ही हुआ है कि v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ये तीन समीकरण होते हैं आप जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे देखेंगे v क्या है, वेग, ये जो v किसको प्रदर्शित करता है, वेग को, ध्यान रखना है वेग को, और u ये भी वेग को, ये प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है यानी कि ये वेग ही है, और a, a का मतलब क्या होता है, त्वरण, और यहाँ पे t का मतलब होता है समय, t का मतलब समय। तो देखेंगे v बराबर u प्लस at, ये फॉर्मूला सही है या गलत है। देखिए v यानी आप जानते हैं वेग, और वेग की विमा क्या होती है, l1 t माइनस 1, l1 t माइनस 1, और यहाँ से देखिए u, u वेग है, और इसके लिए क्या होगा, l1 t माइनस 1, l1 t माइनस 1, और यहाँ पे आप जानते हैं त्वरण के लिए क्या होता है, LT माइनस 2, L1 T माइनस 2, और यहाँ पे इसके मल्टीपल में क्या है, T1। तो देखेंगे ये अपने पास बायां पक्ष हैं और ये दायां पक्ष हैं, तो L1 T माइनस 1, और यहाँ पे देखिए नो चेंजेस, L1 T माइनस 1। अब यहाँ पे L1 अपने पास है और T माइनस 2 और ये 1, तो इसमें से गया माइनस 1 रहा, L1 T माइनस 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसके अंदर जो पद है L1 T माइनस 1 और इसके अंदर जो पद है प्रत्येक पद, इन दोनों की विमाएं क्या है, समान है। मतलब इस साइड में जो पद आ रहे हैं उनकी विमाएं और इस वाले पद की विमाएं समान है, मतलब क्या है, ये समीकरण सही है। तो इस प्रकार से हम कोई भी भौतिक राशि जो होती है उसकी विमा के द्वारा सत्यता की जांच कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक अपने पास समीकरण दे रखा है या भौतिक राशि दे रखी है उसकी सत्यता की जांच करनी है तो विमाओं के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो के अंदर अपन इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो अपनी भौतिक राशियाँ हैं उनकी विमाएँ निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।